स्टूडेंट क्लास फोर, आज हम आपका चैप्टर थ्री स्टार्ट कर रहे हैं। थ्री चैप्टर्स क्योंकि आपके दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड चैप्टर आपका टेस्ट चल रहा है, थ्री चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। इसमें है अडेप्टेशंस एनिमल, जानवरों में अनुकूलन किस प्रकार से होता है, वो किस तरह से अनुकूल तरीके से रहते हैं, तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। देखो ये सारा चैप्टर्स एनिमल से रिलेटेड है, पूरा एनिमल से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है ना हमारे देश में विभिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, संसार में विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो क्या खाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एनिमल जस्ट लाइक अ प्लांट। एनिमल किसकी तरह होता है? प्लांट की तरह, क्योंकि प्लांट भी हमें हर जगह पर मिलते हैं, इस तरह से एनिमल भी हमें हर जगह पर मिलते हैं। आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में हर जगह मिलते हैं। दे लिव इन फॉरेस्ट, कहाँ कहाँ मिलते हैं? फॉरेस्ट में, माउंटेन में, क्योंकि उनका रहने का स्थान होता है फॉरेस्ट में पाए जाएंगे, माउंटेन में, डिजर्ट में, स्नो कवर्ड एरिए में और वाटर बॉडीज में, पानी में। तो इस तरह से एनिमल्स बहुत जगह पे पाए जाते हैं, सेक्ट्रा मतलब काफ़ी जगहों पे, और भी भिन्न जगहों पर पाए जाते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वन रीजन एंड डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल लिविंग इन अदर रीजन। अब आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं कुछ एक क्षेत्रों पे, कुछ विभिन्न क्षेत्रों पर रहते हैं, क्यों रहते हैं हमें यही सब इसमें बताया जाएगा। इफ़ अ फिश इज टेकन आउट ऑफ वाटर, जैसे फिश है वो पानी में रहती है, वाट विल बी हैपन, कैसे हो सकता है? इट विल बी डाई, मरती नहीं है। और इसी के जस्ट सिमिलरली इफ़ अ माउस इज थ्रोन इन टू वाटर, अगर माउस को डाल दिया जाए या गिर जाए पानी में, इट विल बी डाई आफ्टर सम टाइम, तो क्या हो जाएगी? कुछ समय ही बाद उसकी डेड हो जाएगा, वो मर जाएगा। इन अफेक्ट तभी ईच एनिमल सर्वाइव इन इट्स ऑन इन्वायरमेंट, तो क्या होता है कि एनिमल्स अपने माहौल में ही अच्छी तरह से स्वयं का जो माहौल होता है उसमें सर्वाइव करते हैं। द प्लेस वेयर एन एनिमल्स लिव नेचुरल इज कॉल्ड हैबिटेट, जो उनका जहाँ पे वो रहते हैं नेचुरल तरीके से प्रकृति की देन के अकॉर्डिंग, तो वो उनका क्या कहलाता है? स्थान कहलाता है। जैसे प्लांटों का स्थान कहलाता है जहाँ पे वो स्वती उगते, ऐसे इनका भी ये स्थान कहलाता है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट हैबिटेट, अब आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं तो वो अलग ही उनके स्थान बनेंगे। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड इन हैबिटेट, और हमें हर जगह पे वो पाए जाएंगे अलग अलग जगहों के स्थानों पर। एन एनिमल स्पेस इज वाइल लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे काफ़ी एनिमल्स जो एक जगह पर ही हजारों साल तक रहती हैं, एक ही प्लेस पर। डेवलप सर्टेन बॉडी फीचर्स, उनकी बॉडी में वो विशेषता होती है, दिस बॉडी फीचर हेल्प देम सर्वाइव इन द हैबिटेट, जो उनके स्थान में रहने में उन्हें अच्छी तरह से वो सर्वाइव कर सके, हेल्प करती है। दिस प्रोसेस ऑफ एनिमल जेस्टिंग देम सेल्फ, तो क्या होता है जी, ये प्रक्रिया होती है जो स्वयं उस एनवायरमेंट में अपने आप को अनुकूल तरीके से ढाल लेते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं, ये वो कहलाता है अडेप्टेशन, अनुकूलन, जानवरों में अनुकूलन होता है, और यही इसकी एक लंबी प्रोसेस है। दिस अडेप्टिव फीचर ऑफ एनिमल हेल्प देम, जो मदद करती है उनके लिए किसमें, कोप विद डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जैसे उनके कितनी भी कठिनाइयाँ आती हो जिस जगह पर वो रहे, तो उससे क्या करते हैं वो सफलतापूर्वक निपट जाती है, मतलब उसे सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। सर्च एंड गेट फूड, भोजन अच्छी तरह से ढूंढ लेते हैं वो उस जगह पर, क्योंकि उनको उस जगह का आदत होती है, तो उस जगह को अच्छी तरह समझते हैं वो लोग, तो भोजन भी उनको अच्छा मिल जाता है। प्रोटेक्ट देम सेल्फ और देयर एनिमीज, और जो उनके शत्रुज होते हैं उनसे अपने आप को स्वयं उनकी से रक्षा कर लेते हैं अपनी। माइग्रेट, अगर उस जगह पर कोई परेशानी होती है तो दूसरा स्थान भी वहाँ पर खोज लेते हैं, क्योंकि उन्हें जगह के अकॉर्डिंग सब पता रहता है, क्योंकि वहाँ पे उनको हैबिचुअल हो जाते हैं उस जगह के, तो इस तरह से प्रवासी भी होते हैं। तो आज हमने इतना पढ़ा है बेटा, इस चैप्टर्स को आप दोबारा से रीड करना। इसमें आते हैं अडेप्टेशन टू हैबिटेट, मतलब उनका जो अनुकूलन निवास स्थान कैसे होता है। तो देयर इज़ वेराइटी ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ, आपको पता है हमारी भूमि पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार के स्थान हैं,
ऑन द बेसिक ऑफ द हैबिटेट एनिमल्स कैन बी ग्रुप, तो वहाँ पे क्या अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग रहते हैं, समूह के। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या, जो टेरेस्ट्रियल जगह होती है भूमिगत जगह होती है, यहाँ पे भूमिगत एनिमल्स मिलेंगे आपको। अभी एक्वेटिक, एक्वेटिक होता है पानी, तो यहाँ पे पानी वाले जो पानी के अंदर मिलेंगे, वो जो पानी में रह सकते हैं वही जानवर तो यहाँ पे मिलेंगे। अब होता है एम्फीबियन, एम्फीबियन में होता है बेटा वो जो जलस्थर होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और थोड़े भूमिगत भी होते हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह के एनिमल मिलेंगे इस क्षेत्र में। अब आता है एरियल, एरियल आप जानते हो हवा होती है, हवाई जो आसमान में उड़ते हैं ना, आकाशीय पक्षी होते हैं वो मिलते हैं। अब आता है एरबोरियल, एरबोरियल में कैसे एनिमल्स मिलते हैं, जो पेड़ों से संबंधित होते हैं, जो पेड़ों के आसपास पाए जाते हैं, इस तरह के एनिमल्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ा है कि ये एनिमल्स कहाँ पर किस तरह से स्थान बनाते हैं, इनके लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जो इनके विशेषता फीचर होते हैं, और अडेप्टेशन टू हैबिटेट, जो उनका अनुकूलन स्थान कैसे बनता है। तो इसमें सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो आज हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम इसको कल पढ़ाएंगे। टेरेस्ट्रियल में वो एनिमल पाए जाते हैं जो भूमिगत होते हैं, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट हुआ, और कौन, कैमल्स हुए, ये सब लोग इधर आसपास पाए जाते हैं। आज को मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, इसे आप दोबारा से रीड आउट करिए, और आज आपका होमवर्क वो आपको दे रही हूँ, तो उसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। होमवर्क 8 मई 2020, लर्न करने आपको क्वेश्चन आंसर शॉर्ट एंड लॉन्ग चैप्टर 2 के, फॉर क्लास टेस्ट 11 मई को होगा आपका टेस्ट। रीड चैप्टर थर्ड, जितना जितना मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, थर्ड चैप्टर वो आपको दोबारा से रीड करना है, ओके। और टेस्ट जो मैंने दिया है आज, उसे अच्छी तरह से चीटिंग नहीं करनी है और शांति से देना, ओके। हैव अ गुड डे।